फाइनली ये है मेरे पास Vivo V23 और Oppo Reno 7 Pro। डिटेल कैमरा कंपैरिजन है, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, आपको क्लियर रिव्यू मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अल्ट्रा वाइड से। स्क्रीन पर आप देखते रहिए, आपको सारे रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे और आप एंड में बताना कौन सा आपको अच्छा लगा और मैं भी अपना रिव्यू दूंगा। ये 1x का फोटो है, ये 2x का फोटो है, तो डिटेल और कलर में आपको थोड़ा सा फ़र्क दिखेगा क्योंकि इनमें टाइमिंग का थोड़ा सा इशू है, एक दो घंटे लेट फोटोज़ आई है दोनों को कंपेयर करें तो, इसलिए आपको थोड़ा सा कलर में डिफरेंस मिलेगा। बाकी ओवरऑल आप देख लेना कौन सा बेटर निकलता है। तो पोर्ट्रेट्स यहाँ पर अगर देखें तो कुछ इस तरह से निकलता है। एज डिटेक्शन दोनों में ही अच्छा है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को नहीं मिली है, दोनों ही एज डिटेक्शन अच्छा करते हैं। ओप्पो में आपको बुके फ्लेयर का फंक्शन मिलता है जिसमें डिटेल में काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड ब्लर होता है, और सेल्फी में दोनों में ही पोर्ट्रेट मोड से। आगे आपको मैं कुछ ऐसे रिजल्ट दिखाऊंगा जो आपको बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज करेंगे दोनों के बुके फ्लेयर में। सेल्फी वगैरह अच्छी आती है, जैसे वीवो में आप देखोगे स्टार बनता है बैकग्राउंड में, और यहाँ पर आप डायनेमिक रेंज और कलर्स देख सकते हो, बैक में सन है। पोर्ट्रेट्स में भी आप देखोगे मेरे बैक में सन था, फिर भी कितना अच्छा इसने रिजल्ट निकाल कर दिया दोनों ने ही, और डायरेक्ट सनलाइट में देखोगे आप काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिखता है। थोड़ा सा टाइमिंग का इशू था तो आप यहाँ पर थोड़ा सा मैनेज कर लेना। ये 5x का फोटो है और ये वाला 10x का फोटो है, दोनों में ही काफ़ी अच्छी डिटेल है। रेनो 7 प्रो में थोड़ी डिटेल ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर एक और आप सिंपल देखोगे तो एज डायरेक्शन और ऑटो फोकस रेनो 7 प्रो का ज़्यादा अच्छा है। कुछ मामलों में कलर्स में वीवो V23 अच्छा लगता है, कुछ मामलों में रेनो 7 प्रो अच्छा लगता है। ये ओवरऑल आपकी प्रेफरेंस है कि आपको कलर्स ज़्यादा अच्छे चाहिए या डिटेल। ये मैक्रो लेंस का फोटो है, यहाँ पर रेनो 7 प्रो ज़्यादा अच्छा है। एक और मैक्रो लेंस का फोटो है, यहाँ पर भी रेनो 7 प्रो का जो मैक्रो लेंस है वो काफ़ी अच्छा है। दोनों में 2 मेगापिक्सल है बट इतना फ़र्क नहीं है। इंडोर में पोर्ट्रेट्स अगर आप देखोगे ठीक ठाक यहाँ पर मेंटेन किए दोनों में ही। यहाँ पर और कुछ सैंपल देख सकते हो, ये वाला सैंपल में भी रेनो 7 प्रो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सेल्फी की बात करें तो सेल्फी में आप रिजल्ट देख सकते हो 50 और 32 मेगापिक्सल का जो, और वीडियो की अगर बात करें तो 1080p पर 60fps तक आप यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हो। दोनों में स्टेबिलिटी अच्छी है, रेनो 7 प्रो में स्टेबिलिटी थोड़ी सी बेटर है एज़ कम्पेयर टू वीवो V23। तो ठीक है, दोनों में अच्छा रिजल्ट यहाँ पर निकाल कर दिया है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट अगर दोनों में से एक भी करना है तो रेनो 7 प्रो अच्छा ऑप्शन है। अब बात करते हैं यहाँ पर सेल्फी में स्टेबिलाइजेशन की, तो सेल्फी में दोनों में ही ऑलमोस्ट सेम आपको देखने को मिलेगा रिजल्ट, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो सेल्फी आप कह सकते हैं ठीक है, वीवो थोड़ी सी ओवर सेचुरेटेड कलर्स आपको दिखा रहा होगा और रेनो में थोड़ा सा नेचुरल है। 4K पर यहाँ पर 30fps तक रिकॉर्ड कर सकते हो आप, मैंने वन बाय वन किया है, थोड़ा सा फास्ट में चला था रेनो 7 में। जूम वगैरह भी आप कर सकते हो, जूम के बाद भी काफ़ी अच्छी डिटेल मिलती है, और 4K में थोड़ा सा स्टेबिलाइजेशन वीवो V23 का अच्छा लगा है मुझे पर्सनली, लेकिन रेनो 7 में थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट मैंने मूव कर दिया था इसलिए उसमें स्टेबिलिटी कम दिख रही होगी आपको। बाकी आगे और बात करेंगे आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर डुअल भी वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएगा, दोनों कैमरे आप एक साथ यूज़ कर सकते हो, फ्रंट भी बैक भी, और अलग अलग लेआउट्स भी है, लाइक सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर है दोनों में। और वीवो में एक आपको एडिशनल मिल जाएगा जो आपको आगे बता रहा हूँ कि कौन सा वाला रहेगा। यहाँ पर दोनों में रेक्टेंगुलर आप देख सकते हो, तो और क्वालिटी भी अच्छी है, ऑलमोस्ट सेम ही है, 99% तक सेम है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। सर्कुलर रेक्टेंगुलर दोनों में ही आता है। यहाँ पर वीवो में आपको एक हार्ट शेप का भी दिख जाएगा ऑप्शन, जो अच्छा लगता है दिखने में, व्लॉग वगैरह बना रहे हैं या रील वगैरह बना रहे हैं तो आप काम आएगा ऐसे शूटिंग अगर नॉर्मली आप करते हो तो। बाकी स्लो मोशन की बात करें तो दोनों में ही आपको 240fps तक का स्लो मिल जाएगा। तो ये था इनका कैमरा कंपैरिजन। मेरे हिसाब से रेनो 7 प्रो का कैमरा जो है वो हर मामले में आगे निकला है, और हमने काफ़ी सारे कंपैरिजन दूसरे भी किए हैं, तो आप भी जाकर चैनल पर विजिट कर सकते हो जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।